नेपाल में मूसलाधार बारिश के कारण कोसी नदी का जलस्तर खतरनाक तौर से बढ़ गया है। 1968 के बाद पहली बार कोसी बराज के तमाम 56 फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे 6,81,639 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नेपाल से मिले त्राहिमाम संदेश के बाद बिहार और झारखंड के साहिबगंज जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की ओर से दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। बिहार में बाढ़ के संकट को देखते हुए राज्य के साथ ही केंद्र सरकार भी एक्शन मोड पर है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनडीआरएफ के साथ आज समीक्षा बैठक की। बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ को अलर्ट पर भी रख दिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने भी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और संबंधित उपाय करने के निर्देश दिए हैं। जल संसाधन विभाग की माने तो नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में हो रही भारी बारिश के चलते राज्य में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम कोसी नदी में 6.8 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की आशंका है। पानी की ये मात्रा पिछले 56 सालों में सबसे ज्यादा होगी। वहीं गंडक नदी में आज 31 साल बाद 6 लाख क्यूसेक पानी से ज्यादा पानी छोड़ा जा सकता है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अगले 48 घंटों का अलर्ट जारी किया है। कोसी नदी में रिकॉर्ड डिस्चार्ज की आशंका को देखते हुए सुपौल जिला प्रशासन ने तटबंधों के अंदर और उसके आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। इधर भीमनगर कोसी बराज के तमाम 56 फाटक खोल दिए गए हैं। दरअसल सहरसा जिले में कोसी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए जिले के सिमरी बख्तियारपुर नवहट्टा महिषी और सलखुआ प्रखंडों के तटवर्ती क्षेत्रों में लोगों से सतर्क रहने और ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की गई है। नेपाल के देवाघाट से गंडक नदी में आज सुबह 5,93,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गोपालगंज और सारण जिले में भी गंडक नदी के सभी तटबंधों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तटवर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों से ऊंचे स्थान पर जाने की अपील की गई। इस बीच केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी निषाद ने गोपालगंज जिले में गंडक नदी के बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए अधिकारियों को तटबंधों की सुरक्षा बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। कोसी नदी के उफान पर रहने के कारण गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी की संभावना है। इसे लेकर झारखंड में साहिबगंज जिला प्रशासन की ओर से गंगा नदी के तट के आसपास रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई। इसके लिए प्रशासन की ओर से बोट भी उपलब्ध कराए गए। बाढ़ प्रभावित परिवारों के रहने और खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है।